तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे ना सीबीएसई लिस्टेड केमिकल सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। आज हम आपके लिए केमिकल सेक्टर का स्टॉक लेकर के आए हैं जो कि मिडिल कैप सेक्टर की कंपनी है। मिडिल कैप सेक्टर की स्टॉक है और मार्केट कैप है 26,475 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 1941 रुपये और हाई लगा चुका है 2,357 रुपये का। लो है 1,681 रुपये। स्टॉक पी है 31 और कंपनी की बुक वैल्यू 300। कंपनी डिविडेंड एल्ड प्रोवाइड करती 0.36%। ROC है 30%। ROE है 22%। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रमोटर के पास 49% की होल्डिंग है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02। एनुअल प्रॉफिट है 852 करोड़ का। डेप्ट है कंपनी के पास 72 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% और इंडस्ट्री पी है 26। EPS है 62 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 290 करोड़ है। मतलब क्या आपको समझ में आया। स्टॉक पी आप यहाँ देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं 31 है। तो स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बोल सकते और बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं बोल सकते, ठीक है, मीडियम में बोल के चल सकते हैं। और स्टॉक भी और ROC ROE भी अच्छा है और ROC है 30%, ROE है 22%, जो कि बढ़िया माना जाता है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। कंपनी के पास आप देखोगे फ्री कैश फ्लो है 290 करोड़ और डेप्ट है मात्र 72 करोड़ का। तो कंपनी तो डेप्ट फ्री साबित हो जाती है, यानी कंपनी के पास कर्ज नहीं है। इंडस्ट्रीज पी के हिसाब से इंडस्ट्रीज पी 26 है, इसके हिसाब से भी ठीक है। प्लस परसेंटेज बिल्कुल जीरो कंपनी, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी गई है। हम लोग बात करें प्रोस की, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। सेकेंड लाइन में देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो कंपनी के पास कर्ज नहीं है, तो पॉजिटिव है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 31%, तो ये भी ठीक है, अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज ही हुई है 3.41% की, ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत अच्छा साइन है कि प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम लोग बात करें तो मार्च 23 वाले क्वार्टर में 348 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर 2022 में 315, सितंबर 2022 में 271, जून में 356 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो थोड़ा सा प्रॉफिट के मामले में डाउन हुआ है कंपनी, प्रॉफिट थोड़ा से कम आई है, बट कोई नहीं, इतना होता है। नेट प्रॉफिट की बात करें 234 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी को मार्च वाले क्वार्टर में। दिसंबर में 209, सितंबर में 174 और जून में 235 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। अगर हम लोग बात करें ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे हम देख सकते हैं क्या अपने नेट प्रॉफिट कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट देखें, थोड़े से डाउन हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, यानी 2021 के मुकाबले 2022 की रिजल्ट थोड़े से डाउन है। क्यों? क्योंकि आइए अब ईयरली बेस पे हम चेकआउट करते हैं। 2023 में देख सकते हैं कंपनी के पास 1,289 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है और 2022 में 1,607, 2021 में 1,252, 2020 में 1,035 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के पास, बट 2023 वाले क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन हुआ इनकी प्रॉफिट। प्रॉफिट डाउन होने का मेन रीज़न क्या है? सेल्स तो खतरनाक वाले आए हैं, सेल्स हर साल अच्छे आ रहे थे, जिसे देख सकते हो 7,972 करोड़ का सेल्स आया 2023 में। वहीं 2022 में 6,802 करोड़ का, 2021 में 4,360 करोड़ का। लेकिन यहाँ सेल्स तो आपको अच्छे देखने के लिए मिल गए, लेकिन यहाँ एक्सपेंस पे कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की वजह से कंपनी कम प्रॉफिट ला पाई। जैसे 6,683 करोड़ का यहाँ एक्सपेंस पे खर्चे हो गए हैं, इसलिए प्रॉफिट कम हो गया। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, 852 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को और 2023 में, 2022 में 1,067 करोड़ का, 2021 में 776 करोड़ का, 2020 में 611 करोड़ का नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा था 2022 तक, बहुत अच्छा आया। 2023 में थोड़ा सा डाउन हुआ मार्केट, बट कोई ना, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम में प्रॉफिट भी आ जाएगी। और कंपनी आपको 10-12% की डिविडेंड पे आउट करती रहती है, कभी कभी 22% का भी डिविडेंड पे आउट करती है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 37%, 3 साल में 24%, TDM में 17%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 59%, 3 साल में 11%, TDM में -20%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 साल में 53%, 5 साल में 51%, 3 साल में 55% और 1 साल में -1%। स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 32%, 3 साल में 32%, लास्ट ईयर 23% रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर बैलेंस शीट चेकआउट करें कंपनी के पास, इनके पास रिजर्व देख सकते हो 4,663 करोड़ का रिजर्व। मतलब इनका रिजर्व आपको हर साल इंक्रीज होता हुआ मिलेगा, कभी डाउन नहीं, बट कर्ज आस्ते आस्ते कंपनी ख़त्म कर रही है। 2020 में
आप स्टार्ट कर सकते हो 2019 से। 2019 में 1187 करोड़ का इनके पास ड्रॉइंग यानी कर्ज हुआ करता था, बट 2020 में 1107 हुआ, फिर ऐसे घटते हुए 2023 में मात्र 73 करोड़ का इनके पास कर्ज है। ये कर्ज या इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो भी कंपनी को 650 करोड़ का, तो इस हिसाब से कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और आने वाले 1-2 साल के अंदर कंपनी पूरा कर्ज खत्म कर देगी, जीरो हो जाएगा। नेट कैश फ्लो 15 करोड़ है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पहले 45.71% की होल्डिंग हुआ करती थी प्रमोटर के पास, मतलब इस जगह पे आप आओगे तो क्वार्टर वाइज कुछ ना कुछ पॉइंट में क्वांटिटी उठाए जा रहे थे प्रमोटर की तरफ से। पहले 45.69% की होल्डिंग हुआ करती थी, फिर मार्च 2022 आया 45.72 हुई और फिर 1% की होल्डिंग डिक्रीज हुई, 0.01% की होल्डिंग, बहुत कम क्वांटिटी डिक्रीज हुई। लेकिन फिर मार्च 2023 में ज़बरदस्त मतलब 3.something क्वांटिटी ऐड की प्रमोटर ने और आज 49.53% की होल्डिंग, मतलब 50% की होल्डिंग मान कर ही चल सकते हो प्रमोटर के पास। FIIS के पास 7.72% की होल्डिंग है और DIIS के पास 15.06% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास मात्र 28% की होल्डिंग है। तो बहुत ही अच्छा पैसा लगा हुआ DIIS के पास, खास करके मार्च 23 वाले क्वार्टर में और भी इनक्रीज किए हैं DIIS ने होल्डिंग्स। दोस्तों स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दें, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी काम क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग की, अगर बेसिक इंटरमीडिएट फाइन एंड स्पेशलिस्ट केमिकल परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंड फिनोलिक्स, मतलब इनके पोर्टफोलियो के अंदर 100 प्रोडक्ट हैं। तो हम इनकी वेबसाइट पर आ चुके हैं, आप इनकी वेबसाइट पर आकर के इनकी बिजनेस के बारे में और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। विजन टू बिकम टू फास्टर ग्रोइंग इंडियन केमिकल इंटरमीडिएट कंपनी, इनकी विजन है बहुत तेजी से ग्रो करने का केमिकल इंटरमीडिएट कंपनी। इनकी हिस्ट्री देखें तो 1970 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई दीपक नाइट्रेट, 1970 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1971 में लिस्टेड हुई BSE विथ लैंडमार्क ऑफर सब्सक्रिप्शन। 1971 में कंपनी BSE में लिस्टेड हो गई थी यानी हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। 1972 में कमीशन सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्रेट प्लांट इन वडोदरा गुजरात, गुजरात के अंदर इनका एक प्लांट सेटअप हुआ था नाइट्रेट एंड नाइट्रेट प्लांट। और 1984 में एक्विजिशन एंड सायद्री डीटूफी केमिकल यूनिट फॉर मुफ्ताल इंडस्ट्रीज। तो कंपनी ओवर ऑल ओवर व्यूज देखा जाए, कंपनी ओवर व्यूज देखा जाए तो 1970 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। दीपक नाइट्रेट हैव बीन लीडिंग इंटरमीडिएट कंपनी इन द इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्रीज है इंटरमीडिएट लेवल पे वहाँ की लीडिंग कंपनी है। विथ सर्वर नेमोसली इंडस्ट्री एंड 56 एप्लीकेशन इनके अंडर में है विथ पोर्टफोलियो ओवर 100 इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है, मतलब 100 इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है इनके पास, जिनमें से लीडिंग प्रोड्यूसर है सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। सिंस 1972 से लीडिंग प्रोड्यूसर है सोडियम नाइट्रेट का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनॉल एसीटोन सिंस 2018 से ये इनका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला है। 3 ग्लोबल प्लेयर भी है प्रोडक्ट लाइक हेक्सिलाइडिन और कमिडेंस एंड ऑक्सीमेस, और 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पास और 30 कंट्री के अंदर ये टू ओवर 30 कंट्री और कंट्रीज 6 कंटेनमेंट, मतलब 30 कंट्री के अंदर 6 कंटेनमेंट इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। 50 साल का इनका लाइसेंसी है। फार्माइंड सैनिटाइजर IPA प्रोडक्शन भी कंपनी करती है फार्माइंड सैनिटाइजर को लेकर के, ग्लोबली रीच किया है 30 कंट्री 6 कंटेंट्स एप्लीकेशन 56 प्लस कस्टमर 1000 प्लस 100 प्रोडक्ट है कंपनी के पास।
और इनकी हम लोग क्लाइंट बेस की बात करें तो इनके पास इंडियन की इंडिया की वो क्लाइंट है यूनिलीवर, जो हमारे देश की दिग्गज कंपनी है यूनिलीवर, ठीक है, इंडियन ऑयल, रैलिक इंडिया लिमिटेड, टाटा एंटरप्राइजेज, बैसफ, वी क्रिएट केमिस्ट्री, लॉरेल, लॉरेल, लुब्रिजॉल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, निर्मा। कंपनी की एप्लीकेशंस क्या है? फार्मास्यूटिकल से एग्रो केमिकल और रियाइजिंग, फ्रेशनल केयर, पेट्रोकेमिकल, एधिवेसिव्स, डाइस एंड फिगमेंट, फेफर्स, कोटिंग्स, फ्यूल एडिटिव और डिटर्जेंट्स, एडोल केमिकल्स। तो इन सारी सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, मतलब बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत अच्छी पकड़ बना चुकी है। डेफिनेटली आप इस स्टॉक को लेकर के अपने आपके अंदर रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो ये स्टॉक फिलहाल अभी एक रेंज में है और करंटली स्टॉक के क्वार्टरली नतीजे अच्छे नहीं आए, फिर भी कोई बात नहीं, स्टॉक अभी एक रेंज में है। और अब भी आप देख सकते हैं स्टॉक हमें 1 अक्टूबर 2019 में 285 रुपये के प्राइस मिला करती थी और कुछ ही समय के अंदर इतना खतरनाक 962% का कंपनी रिटर्न बना करके दे दिया है। दोस्तों कौन लोग यहाँ तक होल्ड करके चल चल सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ये स्टॉक कभी 16 रुपये 15 रुपये के प्राइस मिला करता था। जब हम पे स्टॉक आपको सजेस्ट करते हैं, मतलब सजेस्ट इन द सेंस सजेस्ट तो नहीं करते हैं भैया, बाय और सेल करने का हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, हम वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम पेनी स्टॉक्स लाते हैं तो क्यों आपको ये ऐसा बोला जाता है कि दोस्तों अपनी मंथली इनकम का मात्र 2% हिस्सा पेनी स्टॉक के अंदर लगा करके चल सकते हैं, क्योंकि वो 2% हिस्सा ना आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम होल्ड कर लें और उस स्टॉक के अंदर हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका 50%, यानी हमारे कैपिटल जब 100% की प्रॉफिट आ जाए, अपनी कैपिटल निकाल लें, तो वो जो 50% स्टॉक बचता है उससे हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करें और वो स्टॉक कुछ ऐसा निकल जाए तो आप कुछ ही स्टॉक की वजह से करोड़पति बन सकते हो आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो, कभी ये स्टॉक भी 5 रुपये 17 रुपये 17 रुपये 15 रुपये के प्राइस में मिला करती थी। तो और एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिलेगा कितने बार स्टॉक हाई लगाई, फिर नीचे गिरा, फिर हाई लगाया। अब देख सकते हो यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ हाई लगाया कितने का, 103 का, लो लगाया यहाँ तक 62 रुपये का। जो 103 का हाई लगा के 62 रुपये का लो लगाया तो आदमी डरेगा नहीं, बहुत लोग यहीं सेल करके बाहर भाग गए होंगे। लेकिन जब आपकी प्रॉफिट निकल गई, आपकी कैपिटल निकल गई रहेगी ना, प्रॉफिट रहेगा तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, आप उतना सोचोगे नहीं, तो वही लोग यहाँ तक झेल पाते हैं, इतनी लंबा खींच सकते हैं। और मैं बोलता हूँ कि आप अपनी वो रख करके वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट को छोड़ सकते हो, जिससे आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। अगर ऐसे करते हैं बहुत लंबे समय तक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास होंगी, बहुत अमाउंट में डिविडेंड भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में उसका वेल्थ भी आपका क्रिएट हो जाएगा। करंटली ये स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए ही नीचे रेंज में बना रही है और क्वार्टरली ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस कुछ डाउन हुआ है, तो हो सकता है अभी रेंज लंबा चले, ठीक है। लेकिन जब भी ये स्टॉक अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो ना इस स्टॉक अंदर, तो आपका ये हो जाएगा आपका टारगेट 2209 रुपये का आपका टारगेट रहेगा। और दोबारा से ये स्टॉक इस ट्रेड लाइन के पास आए सपोर्ट लेने, तब आप बाय करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है बाय करके चलने के लिए। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट करता है स्टॉक तो डेफिनेटली आपको यहाँ मिल सकता है 1538 के प्राइस में, बट नहीं, आपको यहाँ एंट्री करके चलना है। अगर नीचे मिले तो एवरेज करके चल सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल कर